2022 मॉडल होंडा SP 125cc और होंडा साइन 125cc में क्या अंतर है, जैसे इनके प्राइस, माइलेज और फीचर्स में क्या अंतर है, और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 2022 में इन दोनों बाइकों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। अब आप सबसे पहले फ्रंट से देखेंगे दोनों बाइकों को, और आप देख रहे हैं इनके मॉडल और डिज़ाइन में अंतर दिया गया है। इसका एक शार्प डिज़ाइन दिया गया है, और आप देखेंगे कि इसमें आपको LED लाइट भी मिल रही है, और इसमें आपको अभी हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिल रही है, क्योंकि ये कम कीमत में आपको मिलती है। अब यहीं पर मैं आपको अपडेट भी बताता हुआ चलूं, आप देखेंगे इस बाइक के मॉडल और डिज़ाइन में कोई भी अंतर नहीं दिया गया है, सिर्फ इसमें आपको जो ग्राफिक्स का डिज़ाइन था, जो ग्राफिक्स थे उनका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे इसका डिज़ाइन ये है और पहले जो आते थे वो ये हैं, तो यहाँ पर ग्राफिक्स में थोड़े से चेंज किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे 2022 मॉडल होंडा साइन 125 में, तो इसमें आपको एक नया, बिल्कुल नया कलर आपको मिल रहा है, जो कि मेटालिक ब्लू है। और अब आप साइड से देख सकते हैं दोनों बाइकों को। आपने दोनों बाइकों को देखा होगा मॉडल और डिज़ाइन में, जो SP है ये थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी कम्यूटर श्रेणी की एक कम कीमत की बाइक है, जैसा कि सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर आती हैं, वैसे साइन और SP ये दोनों बाइकें होंडा में आती हैं। तो आप साइड से देख सकते हैं इसका नया कलर आ चुका है, स्टिकर भी थोड़े से फ्रेश लग रहे हैं इस कलर पर। आप देखेंगे सिल्वर और ब्लू इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बदलाव की हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर रबड़, और यहाँ पर रबड़ इसमें भी आपको मिल रही है। पहले इस बाइक में आपको टैंक काउल और सीट काउल अलग कलर में मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको वही उसी कलर में सेम टू सेम मिल रहा है, जैसा कि पेट्रोल टैंक का कलर है वैसा ही इसमें आपको मिल रहा है। और इसमें आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें आ रही थी, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं इधर से आपको दिखाना चाहूँगा, और आप देखें कौन सी बाइक आपको अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एलॉय व्हील का डिज़ाइन अलग है, यहाँ पर आप देखेंगे एलॉय व्हील का डिज़ाइन अलग है। साइलेंसर वही सेम टू सेम लगाया गया है, लेकिन साइलेंसर के ऊपर की कवर आप देखेंगे तो इनमें अंतर दिया गया है। इसकी सॉकर की स्प्रिंग रेड है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको ब्लैक मिल रही है। इंडिकेटर दोनों में अलग लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, और बैक लाइट का डिज़ाइन दोनों बाइकों की अलग दिया गया है। और दोस्तों बाकी राइडिंग पोजीशन आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे मस्कुलर पेट्रोल टैंक, इसका हैंडल आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंट स्टार्ट, ये सारी चीज़ें आपको साइन में भी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर, जिसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी मिलेगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज मीटर, और इसमें आपको टाइम भी ये बाइक आपको बताएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलेगी, यहाँ पर इंजन चेक की लाइट, और इसमें आपको एनालॉग मीटर ही मिल पाएगा, क्योंकि ये कम कीमत में आती है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये साइलेंट स्टार्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन कौन सा अंतर है, बाकी दोनों बाइकों में सेम टू सेम वही इंजन लगाया गया है, इंजन में कोई भी अंतर नहीं दिया गया। और माइलेज लगभग आपको दोनों बाइकों में 65 तक की मिल जाएगी, दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8018 का ट्यूबलेस टायर, यहाँ पर आप देखेंगे 8018 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। और प्राइस की मैं बात करूँ तो लगभग 1,02,000 इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस है, 1,02,000 कुछ रुपए, या 1,03,000 आप माने, और यहाँ पर लगभग 92,000 या 91,000 कुछ रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो आप देखेंगे लगभग 10,000 रुपए का दोनों बाइकों में अंतर दिया गया है। अब आपको जो जैसे ही आपकी ज़रूरत हो और जो बाइक आपको पसंद हो उनको आप खरीद सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी होंडा साइन और होंडा SP125 के बारे में कि क्या अंतर इनमें दिया गया है। अब आप देख लें कि इसमें एक बदलाव ये भी हुआ है, इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको ये नया साइड स्टैंड, ये नई फुटरेस्ट, और इसमें साइड स्टैंड का कट ऑफ स्विच लगा कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो वही सेम टू सेम चीज़ें इसमें भी आपको मिल रही हैं होंडा SP125 में। 5 गियर के साथ ये दोनों बाइकें आती हैं। तो कौन सी बाइक आप ख़रीदना पसंद करेंगे? क्या आप 10,000 रुपये बचा के होंडा साइन ख़रीदना पसंद करेंगे, या फिर आप 10,000 रुपये ज़्यादा लगा के होंडा SP125 ख़रीदना चाहेंगे? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।